अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो इस वीडियो में हम आपकी डेट शीट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जैसा कि हर दिन कोई ना कोई फेक डेट शीट सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, तो उसी को लेकर हमने जेके बोस के ऑफिशियल से बात की कि कब तक इनकी डेट शीट आ जाएगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, आप स्टूडेंट्स के लिए दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जब आपकी डेट शीट अभी नहीं आई होती है, तो उससे पहले ही सोशल मीडिया पर फेक डेट शीट वायरल होना स्टार्ट हो जाती है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। एंड सेकंड, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फेक अपडेट आनी स्टार्ट हो जाती है। इस दिन रिजल्ट होगा, इस दिन रिजल्ट होगा, इस दिन रिजल्ट होगा। तो इन चीजों से आपने थोड़ा बहुत अवेयर रहना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12th क्लास की एक फेक डेट शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। देखो, कुछ चीजों को कॉमन सेंस यूज करके हम डिकोड कर सकते हैं कौन सी रियल है कौन सी फेक है। हर चीज को हम जेके बोस के ऑफिशियल तक ये नहीं पहुंचाते, ये बताओ क्या रियल है या फेक है। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट मुझे सेंड कर रहे थे कि बताओ रेल है फेक है, रेल है फेक है, तो कुछ चीजों में अपना कॉमन सेंस भी यूज किया करो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, दूर से लग रहा है कि ये एडिट है। एंड सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पेपर 30 फेब को रखा है, तो फेब भी अब 30 डेज का होने लगा है। तो यहाँ पर आप इन चीजों को देख कर भी समझ सकते हो ये यहाँ पर जो डेट शीट है ये फेक है। देखिए, बहुत से ऑफिशियल से जो मेरी बात हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारी डेट शीट जल्द से जल्द रिलीज की जाए। जैसा कि यहाँ पर CBSE वालों ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब उनके माइंड में कुछ डेट रहती है कि हाँ, हमारा एग्जाम इस डेट को स्टार्ट हो जाएगा, ये पेपर इस डेट का है, ये पेपर उस डेट को है। उन्होंने भी ये चीज बोली कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डेट शीट रिलीज करने की, बट हमें कुछ चीजों को मद्देनजर रखना है, जैसे कि वेदर एंड बाकी कुछ चीजें, उसी हिसाब से हम एक डेट शीट बनाएंगे ताकि हमें डेट शीट को बार बार पोस्टपोन ना करना पड़े। ये रीजन हो गया, वो रीजन हो गया, इस चीज को मद्देनजर रखकर डेट शीट बनाएंगे। एंड उन्होंने ये चीज भी बोली कि स्टूडेंट्स को ये चीज बोल के रखो कि 15 फेब से रेडी रहें, उनके एग्जाम्स 15 फेब से ही होंगे। देखो, अगर 15 फेब से मौसम खराब होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है, वो बाद की बात है। आप अपने माइंड में सिर्फ यही रखो कि 15 फेब से एग्जाम है, 15 फेब तक आप फुली प्रिपेयर होने चाहिए। जो भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको लास्ट कुछ ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन करके रखो। वहां पर आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट वाइज है, चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे।